हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका वीडियो के साथ में। और दोस्तों आज है अपने पास Poco F1। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे पास Poco F1 है। चलिए एक बार आपको इसी फ़ोन का हेडफोन दिखा देते हैं। तो अभी तो ये फ़ोन काफ़ी पुराना हो चुका है, तो आज देखने वाले हैं इसमें BGMI का टेस्ट करके कि भाई कैसा इसमें चलने वाला है। तो आप BGMI खेलो, पबजी खेलो, सेम ही बात है, परफॉर्मेंस सेम ही मिलेगी, ग्राफिक्स सेम ही सपोर्ट करेगा। लेकिन आज टेस्ट करने वाले हैं कैसी परफॉर्मेंस अभी आपको Poco F1 देने वाला है, क्योंकि भाई अपने टाइम का काफ़ी धांसू फ़ोन है और काफ़ी अच्छी अच्छी गेमिंग इस फ़ोन ने आज तक हमें भी कराई है। आपके पास में Poco F1 है तो इसने आपको भी गेमिंग अच्छी कराई होगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अभी पुराना हो चुका, तो अब कैसी परफॉर्मेंस देने वाला है वो आगे आपको दिखाने वाले हैं। अभी इस फ़ोन का जायरोस्कोप कैसा वर्क करने वाला है और आपको अभी ये फ़ोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए गेमिंग के लिए, क्योंकि भाई इसमें जो प्रोसेसर दिया गया क्वालकॉम Snapdragon 845 का प्रोसेसर दिया गया, जो कि गेमिंग के लिए काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। लेकिन आज के टाइम पे अभी आपको फ़ोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी इसका प्राइस काफ़ी हाई है और इस प्राइस में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन और भी मिल जाते हैं। चलिए एक छोटा सा अपडेट था, वो अपडेट हो चुका है। फिर से हम पबजी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कौन कौन से ग्राफिक्स के फ़ोन सपोर्ट करेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप पबजी खेलिए या BGMI खेलिए, ग्राफिक्स फ़ोन सेम ही सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सेम ग्राफिक्स से आपको मिलेंगे। चलिए एक बार मैं आपको दिखा भी दूंगा ये फ़ोन कौन कौन से ग्राफिक्स को सपोर्ट करने वाला है। तो दोस्तों आपके पास में Poco F1 है या आपने इसमें गेम खेलकर देखा हुआ, तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता सकते हो। और भाई आप अपनी राय जरूर देकर जाना कि अभी इस फ़ोन को नया लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरी क्या राय इस विषय में मैं आपको बताकर जरूर जाने वाला हूँ कि भाई आपको ये फ़ोन अभी नया लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भाई इस फ़ोन का जो प्राइस है ना वो काफ़ी हाई है। तो लगभग 25,000 के आसपास फ्लिपकार्ट पर आपको इसका प्राइस मिल जाएगा। मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा, तो लगभग 25,000 के आसपास इस फ़ोन का प्राइस है। चलिए स्टार्ट हो चुका है BGMI। मैं आपको पहले ग्राफिक्स दिखा देता हूँ, फ़ोन कौन कौन से ग्राफिक्स को सपोर्ट करेगा। उसके बाद में पहले हम इसमें एक TDM मैच स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में क्लासिक मैच भी स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए ग्राफिक्स देख लीजिएगा, तो स्मूथ में एक्सट्रीम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, बैलेंस में अल्ट्रा, HD में अल्ट्रा और HDR+ अल्ट्रा का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, HDR+ अल्ट्रा में पहले आपको स्मूथ एक्सट्रीम में दिखाऊंगा एक TDM मैच, उसके बाद में HDR अल्ट्रा में भी एक गेम प्ले आपको थोड़ा सा दिखा कर जाएंगे, ताकि अच्छे से बता पाएं फ़ोन अभी भी कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है। चलिए जायरोस्कोप को ऑलवेज ऑन कर देते हैं। तो भाई इस फ़ोन को जायरोस्कोप पे तो कोई दिक्कत नहीं है, जायरोस्कोप काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। जिस टाइम पे नया था उस टाइम पे भी और आज भी इस फ़ोन का जायरोस्कोप काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है जायरोस्कोप के साथ। चलिए मैंने जायरोस्कोप ऑलवेज ऑन कर दिया और सेंसिटिविटी भी लगभग फुल कर ली है। चलिए TDM मैच स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं TDM मैच में कैसी परफॉर्मेंस देने वाला है। तो भाई मैंने इसमें पबजी को बिल्कुल नए सिरे से डाउनलोड किया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो ID चलाई है वो बिल्कुल नहीं है, तो डाटा ट्रांसफर इस फ़ोन में नहीं किया गया है। तो इसमें सामने वाले जो बंदे होंगे वो काफ़ी नॉर्मल से ही आएंगे, तो आप ये मत कहना कि भाई बोट को मार के दिखा रहा है। तो मैंने बस आपको फ़ोन की परफॉर्मेंस दिखाई है, तो इसमें देख लीजिएगा मैंने कंट्रोल भी चेंज नहीं किए हैं, ना ही मैं जायरोस्कोप ऑन कर रहा हूँ इसको ऑन कर रहा हूँ, लेकिन जायरोस्कोप फ़ोन का बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सामने वाले बंदों को देख सकते हो, काफ़ी नॉर्मल से बंदे, तो मैं बार बार उन्हें किल कर रहा हूँ, तो मेरी टीम उन्हें बार बार किल करे जा रही है। आप देखते रहो वीडियो को, तो इस मैच को कौन जीतने वाला ये भी आपको पता चलेगा होगा, क्योंकि भाई जो सामने वाले बंदे वो भी नए बंदे होंगे और मुझे थोड़ा बहुत तो खेलना आता ही है, तो उस वजह से हम उन्हें बार बार खेल कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो TDM को काफ़ी अच्छे से अभी हैंडल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं मिल रही है। तो आप गेम प्ले को थोड़ा देखते रहिए, आगे क्लासिक मैच में दिखाऊंगा, HDR अल्ट्रा में आपको दिखाऊंगा कि आपको इस फ़ोन में लैग मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो भाई बात करें इस फ़ोन को अभी सेकेंड हैंड लेने की, तो भाई सेकेंड हैंड अगर ये फ़ोन आज भी आपको मिल जाता तो मैं आपसे कहना चाहूँगा आप इस फ़ोन को ले सकते हो, लेकिन एक प्राइस लिमिट में। जी हाँ दोस्तों, ऐसे नहीं कि आपको 15,000 का मिले तो आप इस फ़ोन को ले लो, नहीं भाई, आपको ये फ़ोन 8,000 में मिल जाता तो इस फ़ोन को आज भी आप ले सकते हो सेकेंड हैंड OLX से, आपके किसी फ्रेंड के पास से 8,000 या 8,500 तक मिल जाता है, 9,000 तक मिल जाता है तो ही ले लो। अगर उसकी कंडीशन ठीक ठाक है तो 9,000 तक ले लो, भाई 9,000 से ऊपर मैं आपको नहीं बोलूँगा कि भाई आप इस फ़ोन को ले लो। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड हैंड भी आप इस फ़ोन को 9,000 से ऊपर मत लेना, क्योंकि आप फिर नया फ़ोन ले सकते हो। अगर आप सेकंड हैंड इसे लेना चाहते हो तो कोई और फ़ोन भी आपको मिल जाएगा, हाँ, लेकिन 9,000 तक भी आपको अब भी मिल जाता है, आज भी मिल जाता है, तो बिल्कुल आप इस फ़ोन को आज भी खरीद सकते हो सेकंड हैंड। नए की बात करें तो भाई मेरे हिसाब से नए आप इस फ़ोन को मत खरीदना, क्योंकि भाई इस फ़ोन में आपको प्रोसेसर ठीक ठाक दिया गया है, 4000 mAh की बैटरी दी गई है। बैटरी बैकअप की बात करें तो आज के टाइम पर तो काफ़ी कम हो गया है, इतना अच्छा बैकअप आपको नहीं मिल पाएगा गेमिंग के टाइम में। तो लेकिन नया लाओगे तो बैटरी बैकअप तो ठीक ठाक मिलेगा। कैमरे की बात करें तो सेल्फी के लिए इसमें आपको 20 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में इसमें आपको 12 MP+5 MP का कैमरा दिया गया है। तो भाई बैक साइड में नॉर्मल कैमरे, सेल्फी के लिए काफ़ी अच्छा कैमरा आपको मिल जाता है। ऑल ओवर फोन तो काफ़ी अच्छा था, जिस टाइम पे फोन आया था काफ़ी धांसू फोन था, गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा फोन था, लेकिन भाई आज भी अच्छा फोन है। लेकिन अगर आप इसमें HDR अल्ट्रा में गेम प्ले करोगे ना, तो भाई आपको इस फोन में आज के टाइम पे लैग देखने को मिल जाते हैं, फ्रेम ड्रॉप भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। मैं भी आपको क्लासिक मैच स्टार्ट करके दिखाऊंगा उसमें लैंडिंग के टाइम पे कितने लैग मिलने वाले हैं, मैं ग्राफिक्स भी चेंज करके आपको दिखाने वाला हूं। तो मैंने आपको बता भी दिया, अगर आप इस फोन में आज के टाइम पे हॉट
ड्रॉप करोगे तो ये फ़ोन आपको लैग देगा, फ्रेम ड्रॉप भी देगा, और आपको खेलते खेलते एक दो घंटे हो जाते हैं ना, तो उसके बाद में आपको गेम प्ले काफ़ी ख़राब होने लगता है। तो चलिए, इस मैच को हम जीत चुके हैं क्योंकि जीत ही जाते सामने वाले बंदे बिल्कुल ही नॉर्मल थे। चलिए, मैंने क्लासिक मैच स्टार्ट कर लिया है, तो जायरोस्कोप में कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिएगा, जायरोस्कोप काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो आगे लैंडिंग के टाइम पर देखने वाले हम कोई लैग हमें मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो चलिए, देखते रहिए वीडियो को। आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और दोस्तों आपके पास में पोको F1 है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप इसे अभी लेने वाले हो नहीं तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, और इस फ़ोन को लें या ना लें आपकी क्या राय है आप एक बार कमेंट करके जरूर चले जाना, क्योंकि भाई जो व्यूवर्स हैं वो कमेंट पढ़ते हैं, कोई भी फ़ोन खरीदने से पहले वो देखते हैं यूट्यूब पर, तो वो कमेंट भी पढ़ते हैं कि भाई इस फ़ोन के बारे में लोगों की क्या राय है, तो उन्हें पता चल जाए अभी ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो नया नहीं लेना चाहिए, मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए, ग्राफिक्स देख लीजिए, ग्राफिक्स तो अच्छे से रेंडर हो रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इस फोन में लैग मिल जाते हैं। चलिए, देखते रहिए लैंडिंग टाइम पर अभी मुझे मिलेंगे या नहीं, तो वो भी आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आज इसमें मैंने पहला मैच स्टार्ट किया है और ये नई आईडी है, तो चलिए देखते रहिए, आईडी नई हो पुरानी हो लैग तो मिलते हैं तो मिलते ही हैं। तो भाई, आपको लैंडिंग टाइप पे भी इस फोन में लैग देखने के लिए मिल जाएंगे, और आपको एक दो घंटे खेलने के बाद में फ्रेम ड्रॉप भी इस फोन में काफ़ी देखने को मिलते हैं, और हॉट ड्रॉप करोगे बीट कैम्प या बूट कैम्प और कोचिंग की जैसी जगहों पर, तो आपको इसमें लैग और फ्रेम ड्रॉप काफ़ी देखने को मिलेंगे, और एक दो घंटे खेलने के बाद तो आपको हर जगह लैग इसमें मिल जाते हैं भाई। जी हाँ दोस्तों, लैग मैं आपसे कोई भी झूठ नहीं बोलूँगा कि भाई आज के टाइम पे भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, नहीं भाई, अगर आपको इसमें लैग देखनी है तो AGR अल्ट्रा मार कर दीजिए, आपको लैग मिलेंगे, फ्रेम ड्रॉप भी मिलेंगे, और आपका फ़ोन थोड़ा हीट भी होगा। तो भाई, एक टाइम होता है फ़ोन का, तो अभी फ़ोन थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन अपने टाइम पे काफ़ी अच्छा फ़ोन था, नया लोगे तो आज की परफॉर्मेंस तो अच्छी खासी देगा आपको, लेकिन भाई मेरे हिसाब से नया आप इस फ़ोन को बिल्कुल भी आज के टाइम पे मत लेना, क्योंकि भाई अगर आपका बजट 25,000 है ना, तो आपको आज के टाइम पर काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन और भी मिल जाएंगे। आपका जो भी बजट हो आप एक बार कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपको आपके बजट के हिसाब से एक बेस्ट फ़ोन बता दूँ। चलिए, मैं भी ग्राफिक्स भी चेंज करूँगा, थोड़ा सा गेमप्ले दिखाऊंगा ग्राफिक्स चेंज करने के बाद में, और दोस्तों आपका जो भी बजट है आप एक बार कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगा भाई आपके बजट के हिसाब से ये वाला फ़ोन बेस्ट है, इस वाले फ़ोन को ले लीजिए। और दोस्तों आपको कोई भी सवाल है अभी भी तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसको रिप्ले जरूर देता हूँ। और दोस्तों, अगर आपको मुझसे इंस्टाग्राम पर मिलना तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, और आपको जो भी बात करनी है आप मुझसे बातें कर सकते हो, मैं आपको रिप्ले जरूर देता हूँ। तो इंस्टाग्राम पर मिलते हैं, चलिए फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैंने ग्राफिक्स चेंज कर लिए हैं, HDR अल्ट्रा में आपको दिखा रहा हूँ, तो ग्राफिक्स में तो काफ़ी सुधार आया है, लेकिन भाई परफॉर्मेंस डाउन हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, अगर अब यहाँ पे दो तीन स्क्वाड आ जाते हैं तो गेम प्ले काफ़ी ख़राब हो जाएगा, गेम प्ले काफ़ी ऐसा लगेगा आपको एक जगह चिपक जाता है, तो ऐसी प्रॉब्लम आपको पोको F1 में आज के टाइम पे देखने के लिए मिल जाएंगी। तो मैंने आपको बता दिया, पुराना आप इस फोन को ले सकते हो 8,000 से 9,000 तक, बस उससे ऊपर मत लेना, और नए के लिए मैंने आपसे मना कर ही दिया, नया भाई आप इस फोन को मत लेना, और इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर जाना। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाना, और दोस्तों आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज वीडियो में कुछ इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।